Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. This is one class maths and lecture number 3. Now open your page number 56. Friends, page number 56 aur topic hai hamara comparison of numbers. Using the number 9, write the numbers that comes before or after the given numbers. Isko solve karne ke liye students sabse pehle jo hamare paas cheez honi chahiye wo hai number 9. Number 9 ke through hum before or after ka concept जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले अब नंबर 9 में देखते हैं, हमारे पास जो काउंटिंग है वो 0 to 22 पे है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है 13 कम्स बिफोर, इसके लिए आप सबसे पहले नंबर 9 की तरफ चलें और काउंटिंग देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब वो हमसे कह रहे हैं 13 कम्स बिफोर, तो 13 देखें किससे पहले लाया जा रहा है, 14 से पहले, तो आंसर हमारा यहाँ क्या आएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, 15 कम्स बिफोर, अब देखें 15 जो है वो किससे पहले लाइक कर रहा है, 16 से पहले, तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 16। नेक्स्ट आप देखें 10 कम्स बिफोर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से पहले हमारे पास क्या लाइक कर रहा है, 9, और 10 के बाद क्या आ रहा है, 11। तो देखें बिफोर में क्या है हमारे पास, 11 से बिफोर हम जाएं तो हमारे पास क्या है, 10, तो 10 कम्स बिफोर 11। 17 कम्स बिफोर, 4 आ रहा है 18 के, यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 18। नेक्स्ट है हमारे पास 19 कम्स बिफोर, 19 किससे पहले आ रहा है, तो नंबर 9 पे देखें 20, आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20। स्टूडेंट्स देखिए, पहले हमारे पास था बिफोर का क्वेश्चन, वो भी हमने नंबर 9 के थ्रू किया था, और अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो है आफ्टर के, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आफ्टर के हैं। इन दोनों को आपने स्टूडेंट्स कंफ्यूजन नहीं करनी, इसमें 10 कम्स आफ्टर, 10 किसके बाद आएगा, तो देखिए जरा नंबर 9 में अगर हम देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 किसके बाद आ रहा है, 9, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 9। नेक्स्ट है 9 कम्स आफ्टर, 9 किसके बाद आ रहा है, ये देखिए इसके बाद आ रहा है 9, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके बाद क्या आ रहा है, 9, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 8। 15 कम्स आफ्टर, तो क्या आएगा आंसर हमारा, 15 कम्स आफ्टर में 14, आप देख सकते हैं 15 से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 14। 14 कम्स आफ्टर, 14 किसके बाद आ रहा है हमारे पास, 13, ये देखिए 13 के बाद आ रहा है 14, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13। डैश कम्स आफ्टर, अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल अपने से ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 9 रख रही हूँ, और आपसे मैं बोलूँ स्टूडेंट्स अब आप इसको खुद सॉल्व करें, डैश कम्स बिफोर 9, तो अपने माइंड में ज़रा इसको रिकॉल करें, नंबर 9 के थ्रू 9 से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, जी बिल्कुल 8, 8 कम्स बिफोर 9, 20 कम्स आफ्टर, 20 किसके बाद आता है, नंबर 9 पे देखें 19 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 20। डैश कम्स आफ्टर 12, यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 13।
के बाद आता है हमारे पास 12। स्टूडेंट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आपने आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए नंबर लाइन के थ्रू इस सबको सॉल्व करना है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने टेबल किया था 2 का, आज हम इसको रैंडम करेंगे। टेबल एट रैंडम ऑफ 2, ये देखें, इस बात से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो टेबल है वो किसका है, 2 का टेबल है। जी मेरे साथ साथ आप करेंगे 3 times 2 इज, जी जी बिल्कुल, मेरे साथ साथ करें 6, 3 times 2 इज 6। अब 5 का रैंडम हम करें, 5 times 2 इज 10, 7 times 2 इज 14। रैंडम करेंगे स्टूडेंट्स आप भी मेरे साथ, 9 times 2 इज 18, 4 times 2 इज 8, 8 times 2 इज 16। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने अपने पेरेंट्स के पास भी प्रैक्टिस के लिए टेबल एट रैंडम की प्रैक्टिस करनी है 2 की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 3 के टेबल की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ।